अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तीन बहुत ही प्यारे से डिज़ाइन जो कि आप अपनी बच्चियों के ड्रेसेस पे बनवा सकते हैं, कैजुअल और रोज़मर्रा के लिए भी, क्योंकि ये ऐसे डिज़ाइन हैं जो कि बार बार कपड़े धोने से ख़राब नहीं होंगे। तो सबसे पहले ये ग्रीन और ब्लैक ड्रेस है। इस पर आप देख सकते हैं गले पर तकरीबन 1 इंच चौड़ा पैच होगा जिस पर छोटे छोटे वाइट पर्ल मोती लगे हुए हैं। फिर ये बेल्ट है जो कि कुछ लोगों ने पीछे वाली साइड पर भी बेल्ट होता है, ये आगे वाला थोड़ा और स्टाइलिश लगेगा, तो आप इसको भी टाइट कर सकते हैं, टाइट और लूज अपनी मर्जी से। इसको खुला छोड़ लें, इसकी नॉट बना लें, ये कम्प्लीटली आपकी अपनी चॉइस है। बाजू इसके बिल्कुल प्लेन है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप बाजू के ऊपर भी 1 इंच चौड़ा पैच लगा के आगे छोटे छोटे पर्ल मोती लगा सकते हैं। लेस जो है इसके दामन पर लगी है जो कि ब्लैक कलर की छोटी छोटी लेस है। कोशिश किया है कि जो बच्चियों के ड्रेसेस पर छोटी छोटी लेस लगवाएं वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, बड़ी लेस बच्चियों के ड्रेसेस पर सूट नहीं करती। इस तरह से ये ड्रेस है। इसका जो ट्राउज़र है वो ब्लैक कलर का है और ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग अभी ये आपके सामने है। उस पर टिल्ट हुई लाइनें हैं, मतलब थोड़ी सी टेढ़ी हैं, तिरछी हैं, और इनके बीच में एक एक छोटा छोटा बटन लगा हुआ है। ये जो है ये कमीज़ का कपड़ा है जो कि इसके ऊपर जिसके टिल्टेड लाइंस या पैच जो भी आप इसको कह लें तकरीबन हाफ इंच चौड़ाई होगी इनकी। ये जो दूसरा ड्रेस है ये वाइट और पिंक के कॉम्बो में है, ये भी बहुत प्यारा है। इसके ऊपर जो डिज़ाइन है वो बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। इसके गले पे तो पैच लगा हुआ है और इसके ऊपर जो पेटियों पे दोनों तरफ फ्रिल लगी है, ये पहले कपड़ा काटा गया है तकरीबन 3 इंच का, फिर उसको जो है पीको करवाया गया है, फिर उसकी फ्रिल बनाई गई है, तो वो इस फॉर्म में फ्रिल आएगी। अगर आप अपने दर्जन को दिखाएंगे तो उसको समझ लग जाएगी। ये लेस है, छोटी छोटी लेस है पत्तों वाली, बहुत ही अच्छी लग रही है, इसके साथ बहुत सूट कर रही है। इसकी जो प्लेटें हैं इस फ्रॉक की बहुत ही बारीक चुंडे हैं इस फ्रॉक पर, ये आपके कपड़े पे डिपेंड करता है, आप बारीक चुने डलवाएं या मोटी चुने डलवाएं, ये कम्प्लीटली आपके कपड़े पे डिपेंड करता है। अब इसके ट्राउज़र पे भी ही सेम डिज़ाइन है, इसको पहले आप काटें, पीको करवाएं, फिर इस तरह का अगर आप लगाएंगे तो वो इस तरह के लुक देगा। पीको किया हुआ कपड़ा जब इस तरह से लगाया जाता है पैच के फॉर्म में तो वो इस तरह का लुक देता है। फिर ये ड्रेस नंबर 3 है, मेरा फेवरेट ड्रेस है, बहुत ही प्यारा है। इसके जो ट्राउज़र पे डिज़ाइनिंग है वो भी बहुत प्यारी लग रही है, मुझे बहुत ये पसंद है। अब ये ड्रेस देख लेते हैं। देखिए इसके गले पे भी इस तरह एक पट्टी सी है, बीच में एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है, बटन लगे हुए हैं, बाजू के आगे पैच लगा हुआ है जो कि कमीज़ के दामन से उतरा था। इसके ट्राउज़र पे जो है बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग हुई हुई है। इसके ट्राउज़र पे जो बचा हुआ पैच था कमीज़ का उसी के एक नॉट सी बना के उसको पहले सी के एक लंबी सी पट्टी सी के उसको फिर नॉट की शेप दे के फिर उसको जो है सुई के साथ इसके साथ अटैच कर दिया गया है और इसके ऊपर एक प्यारा सा बटन लगा दिया है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।